ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं ब्लॉग कम से कम आई थिंक 2 से 3 दिन के बाद में शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी हरदोई में हूँ, इसलिए यहाँ पे जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जो है मैंने 2-3 दिन ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज बाय द वे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है और आज हम लोग जो है घर भी जा रहे हैं और 8:41 हो गए। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। अभी एक्चुअली जाना है थोड़ा काम से, तो वो काम निपटाएंगे, उसके बाद जाना है कोर्ट, तो कोर्ट का भी काम निपटाएंगे। और मैं भी कोशिश करेंगे कि आज जो है यहाँ से जल्दी निकलना है, क्योंकि मुझे जो है घर पे भी थोड़ा सा काम है, तो घर पहुँचेंगे जल्दी से। और बाय द वे जो है लंच वगैरह सब रेडी हो गया है, लंच काफ़ी जल्दी हो रहा है, लंच ब्रेकफास्ट जो भी आप समझ लो। तो उसके बाद में अभी फटाफट जो है लंच करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो आज खाने में है दाल और मूली का साग। बाय द वे हवा बहुत ही मस्त चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं, फटाफट निकलते हैं। पानी की बॉटल, मैकबुक, इसे कहाँ रखें, इधर। रखो। सवा 9 हो गए हैं, जस्ट अभी जो है निकले हैं। फिलहाल 2 बजने वहाँ हैं और हम लोग जो है घर से निकल चुके हैं। इतना भयंकर बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज पानी गिर रहा है। आज ऐसी बारिश होगी जो है रुकेगी नहीं, इस सीजन की सबसे तेज बारिश हो रही है। बाय द वे इधर थोड़ी हल्की हो गई है, पीछे तो है बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो अभी हम लोग जो है 3 बजे तक आई थिंक पहुँच जाएंगे घर। पीछे काफी ज्यादा बारिश हुई बट इधर जो है इतना ज्यादा पानी नहीं गिरा है। और एक्चुअली जो है घर से फोन आया है सब्जी लेके जानी है, बट यहाँ पे कहीं सब्जी दिख नहीं रही है, तो आगे में भी मार्केट है छोटी सी, तो वहाँ से सब्जी खरीदेंगे, एकदम फ्रेश वेजिटेबल मिलती है। आजकल मार्केट में खीरा ही दिख रहा है, हर जगह खीरा खीरा खीरा। यहाँ से खीरा जो है जाता है सारा दिल्ली, और दिल्ली में सब सैलेड के रूप में यूज हो जाता है। यहीं कार साइड में लगाते हैं, यहीं देखते हैं कुछ मिल जाए तो। तो मूली मिल गई है, अब और कुछ देख लेते हैं, सब्जी अगर मिल जाए तो। और तो कुछ सब्जी मिल नहीं पाई है, बस टमाटर मिल पाया और मूली मिल पाई है। एक्चुअली हरदोई में जो है बहुत मस्त सब्जी मिलती है, बट वहाँ से जो है हम लोग ला नहीं पाए। आ जा नीचे आओ। तो शनाया जो है गेट खोलने के लिए आ रही है। खोल दो। सर मार रही। अरे चेहरा क्यों छिपा रही हो, देखें। अभी ले रहा, अभी ले रहा। तो इतना क्यों शर्मा रही है, क्यों? हाँ भैया पापा इतने दिन से थे नहीं यहाँ। लो 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 सो जाओ। अच्छा शनाया और अनी इधर जो है पेड़ पौधे की सेटिंग कर रही हैं। ये यहाँ अंदर आ रहे हैं, इनके देखो कितने कहाँ जाएगा। तो इसे ऐसे जाने दो ना अंदर। गेट कैसे बंद होगा, गेट खुला रखो और क्या। हाँ ऐसे ही कर दो, कहीं शिफ्ट कर दो इसे, तो कहीं पड़ेगी। हाँ अपने इंडिया में जुगाड़ तो चलती है। हेलो बेटू, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम कम आ जाओ। अभी तो चाचा के साथ में ही थी, चाचा को फिर बुला रही हो। जा यार चाय बना के लाओ, चाय नहीं पी है भाई वैसे दोपहर। चेहरा भी धो लेंगे, तब तक आप चाय बना के लाओ, क्योंकि वैसे दोपहर को डेली चाय पीते हैं ना। आज चाय नहीं पी, पूरा एकदम मूड खराब है। बेटू मेरा भैया शर्माता कैसे बता दे। शनाया कैसे शर्मा रहे यार, विशाल आए और इस कितने चेहरा देखने वाला है, ऐसे करके शर्मा रही, बिल्कुल देख नहीं रहे ऐसे करके। बहुत देर तो ऐसे करते रहे, फिर ऐसे। बेटू कैसे शर्मा रहा था मेरे बच्चे।
बेटी शर्मा के दिखा दो कैसे कैसे शर्मा रहे थे शर्मा ऐसे करके हाथ रख के कैसे होता है अब वो नहीं शर्मा के दिखाएगी दिखा दो दिखा दो दिखा दो सबसे पहले जो है चाय से शुरुआत करते हैं। आज मैंने पूरे दिन चाय नहीं पी तो अजीब सा लग रहा है। शनाया इधर फोन देखने में लगी हुई है। एक्चुअली इन्होंने दिन भर हो गया फोन नहीं देखा और पापा जी आए तो थोड़ा सा पापा जी के आगे मुंह बना दिया कि प्लीज थोड़ी देर देख लेने चाहिए। मुझे भी तरस आ गया तो इसलिए लगी है, अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पेटू आपके पास 5 मिनट्स और हैं, बस देख लो जो भी देख रहे हैं। मंकी है उसको रैबिट रैबिट को से लग रहा माउस है करीब माउस है मुझे माउस नहीं है बेटा रैबिट है। क्या गजब की जा रहा है। थैंक यू अंतिम आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या सरप्राइज? मैंने आपके लिए कुछ मंगवाया। क्या मंगवाया? अरे सरप्राइज है तो क्या हंस भी नहीं सकते क्योंकि ये कभी एक्चुअली इन्होंने मंगवाया नहीं मेरे लिए ऐसा कुछ, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्या इन्होंने मंगवाया होगा। या सनाया के लिए मंगवाया है? सिर्फ मेरा नाम ले रही हो। सनाया को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस इस समय फोन देखना है। प्यूमा का है कुछ यार, मेरा को बर्थडे भी नहीं है तो फिर मेरे लिए क्या है। मुझे लग रहा है आई थिंक इसमें जो है शूज होंगे। आपने मंगाया तो आप ही खोल के दिखाओ। आप खोलिए, आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, क्या मेरे लिए गिफ्ट है क्या? तो अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। इन्हीं ने जो है मेरे लिए जो भी मंगवाया है। बिट्टू क्या आपको बोलना है? हेलो, आप अनबॉक्सिंग कर देते आप कैसे फेस कैसे बनाती खींचती हो? तो इसमें बॉक्स पे तो बहुत सारे टेप लगे हैं। बॉक्स कंडीशन बाय द वे काफी बुरी है, अंदर देखना पड़ेगा क्या है। ओ भाई, मैंने पहले ही आइडिया लगा लिया कि शूज हैं। बाय द वे शूज तो काफी अच्छे लग रहे हैं, पहन के भी देख लो कंफर्टेबल है। अभी पहनेंगे, पहले यार निकाल दो ना बेटा, सीजर रख दो कट जाओगी। वॉक की कंडीशन बुरी है बट शूज की कंडीशन काफी अच्छी है। उसे सीजर ले लो कट जाएगी। बेटू आज लग जाएगा आपके। ये रहे मेरे सूस, अनी ने भाई गिफ्ट मेरे लिए मंगवाया। थैंक यू सो मच। अच्छे लग रहे हैं? हाँ सही लग रहे हैं, पहन के देखेंगे तब पता चलेगा। अच्छा कलर अच्छा लग रहा है इसका, कुछ न्यू कलर है, कलर अच्छा लग रहा है, कलर सही लग रहा है। तो मैंने जो है पहन लिए, इस तरीके से लुक आ रहा है कुछ। बेटू पापा के शूज कैसे लग रहे हैं बताओ, कैसे लग रहे हैं बताओ? अच्छे हैं बेकार? बताओ अच्छे हैं बेकार हैं? अब जैसे भी हैं वो सही है ना, गिफ्ट गिफ्ट होता है ना। अब इसे जींस पे पहन के देखना तब पता चलेगा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। हां सही लग रहा है, इतने मतलब काफी हैवी है। ये बेबी मम्मा बाय बेटा बाय। और बाय द वे हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है। मौसम आज काफी ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे तो कम पानी गिरा है पता है, हरदोई में इतना ज्यादा बारिश हुई है बता नहीं सकते। अरे तब भी इधर साइड में थोड़ा थोड़ा भर गया है। पेड़ों पे देखो एकदम मस्त मस्त बूंदें गिरी हुई। दोपहर तक तो धूप थी, सडन से एकदम मौसम चेंज हुआ बारिश। कहाँ जाना कहाँ चाह रही हो, कहाँ जाना चाह रही हो? पापा जी समझ में नहीं आ रहा है। उसे अच्छा लग रहा है फ्रांस इनको बार बार में डांस करना होता है। हर बात में डांस सही है, जरा सा कुछ हुआ नहीं डांस करना। हाँ बेटा। यस बेटा। थैंक यू। आप ले लो, आप ले लो, लो आप ले लो। जैसे आप हो छोटू सी वैसे ही छोटा सा फ्लावर है। टूट गया आप छोटू सी हो और छोटू सा ही फ्लावर है, वो भी टूट गया। और बाय द वे इन पेड़ पौधों की सफाई करने को हो गई है। इसमें जो है देखो कितनी ढेर सारी घास जो है निकल रही, तो आप खाली हो तब तक घास निकाल दो, क्या दिक्कत है? और शनाया इधर ये पूरे पेड़ तोड़ डालेंगे, हमें पता है। इधर आ जाओ शनाया, आओ अंदर। बेटू सुन नहीं रही है, आ जाओ आओ।
किसके साथ झूला झूल रही है बेटो? क्या दादी? दादी के साथ में? वाह भाई वाह, क्या हुआ, डर रही हो क्या? डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं। आंखें क्यों बंद कर रही हो? नो, मैंने बोल दिया तो आप आंखें बंद कर रही हो? आंखें नहीं बंद करनी है। तो शनाया को एक बाहर का चक्कर लगवा दिया जाए, जो कि पापा जी की है, इनकी ड्यूटी है। काफी दिनों बाद आते हैं तो शनाया को एक चक्कर चाहिए, है ना बेटू? से हेलो। और बाय द वे सीन ये है कि एक्चुअली मैं कोर्ट से आज जल्दी आ गया था काफी, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है बाहर कहीं घूम के आते हैं। कल मे भी जो है इनकी मम्मा और मैं जाऊँगा, बाहर थोड़ा सा काम है इस वजह से। एक्चुअली अभी एक भैया आ गए थे तो ऐसे ही पूछने लगे कि क्या है, तो मैंने बताया कैमरा है, तो बता रहे इससे तो शादी वगैरह में भी फ़ोटो खींच जाएंगे। मैंने बोला कि शादी में नहीं खींच सकता क्योंकि एक्शन कैमरा है और वो DSLR से जो है उसमें शूट किया जाता है। बाहर टहल के आते हैं। बाय द वे पहले तो मैं बाइक से अपनी जाने को था, मेरी बाइक कहाँ खड़ी है देख लेते हैं, कि काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं किए। ये रही अपनी बाइक। काफ़ी ज़्यादा इस पर डस्ट आ गई है, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो है साफ़ सफाई भी कर देंगे और साथ में अगर मे भी हो सकता है तो मैं नहीं जाऊँगा तो इसे लेके जाएंगे, क्योंकि बाइक जो है ना चलती रहती है तब इसकी कंडीशन सही रहती है, अगर खड़ी हो जाएगी फिर इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। से हेलो। कैमरे में देख के बोलो बिट्टू। आपको हेलो बोलने में भी आपका वो लगता है क्या, पैसे लगते हैं हेलो बोलने में? अच्छे से बोला करो। और सांड देवता रास्ते में खड़े हुए हैं, बिल्कुल रास्ता देने को तैयार नहीं है। इस बार मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि देखो मेरी हालत क्या हो गई, कि मैं अपनी जो है सेविंग वगैरह करवा लेते या खुद से कर लेता। एक्चुअली क्या रहता है कि सीन कि मेरा ट्रिमर जो है वो यहीं रहता है शाहजहाँपुर में ही, तो हरदोई में जो है मैं ट्रिम नहीं कर पाता हूँ। बट मुझे ऐसा सीन नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कल जो है सुबह उठ के सबसे पहले इसकी साफ सफाई करनी है। मतलब कल मैं ब्लॉग शुरू करूंगा उससे पहले जो है पूरा एकदम क्लीन होगा मस्त। तो शाम का टाइम हो गया है इसलिए जो है सारे गाय बकरी भैंस सब अपने घर को वापस लौट रहे हैं, तो मे भी कल जो है हम लोगों का बाहर जाने का घूमने का प्लान बन सकता है। यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक फेमस जगह है तो वहाँ मे भी जाएंगे, तो उसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे कल जब ब्लॉग शुरू करेंगे। एक्चुअली जिनसे मिलने आए तो वो यहीं आ रहे हैं, अभी उनसे कुछ बात करनी है। और बाय द वे हुआ क्या कि उन्होंने खुद कॉल की थी और अभी मैंने उन्हें कॉल लगाई तो वो सो गए, तो अभी बोल रहे हैं कि विद इन 10 मिनट्स पहुँच रहे हैं, तो यहीं मैं वेट करूँगा। काफ़ी अच्छा, इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर पूरा देखो पूरा ग्राउंड पड़ा है। तो ये बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया जो चलता है ना उन्हीं लोगों की फील्ड है, पूरा सहारा फील्ड बोलते हैं इसे। इधर ढेर सारे आपको देखो जानवर पूरा जो है सारे घास चर रहे हैं, इधर लोग काम से वापस लौट रहे हैं, तो यहीं गाड़ी में थोड़ी देर बैठते हैं या फिर चलते हैं आगे। तो एक्चुअली अभी मैं इधर से निकल रहा था तो मौसा जी के घर पे आ गया हूँ और यहाँ पे एक सीन मुझे देखने को मिला, देखो थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी तो इसके ऊपर गेहूँ निकला है किस तरीके से। अपने यहाँ तो कम लोग खाते हैं बट फॉरेन वगैरह में इसका जो है सैलेड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो अभी जस्ट मैं घर वापस आया हूँ और 8:06 हो रहे हैं, तो बाकी डिनर वगैरह अभी बन रहा है तो उसके बाद में डिनर करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि जो है आज वाला ब्लॉग जो है अभी रात में एडिट कर दूंगा, वरना बाय द वे क्या होता है कि मैं सुबह सुबह सोच रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठ के जो है ब्लॉग एडिट कर लेंगे और एक्चुअली मुझे हो सकता है कल सुबह जल्दी निकलना पड़े, तो सुबह इसके लिए फिर मुझे काफ़ी जल्दी उठना पड़ेगा, फिर ब्लॉग एडिट करेंगे तब भी थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अभी डिनर करते हैं उसके बाद में आराम से जो है अपना मैकबुक निकाल के वीडियो एडिट करते हैं और एडिटिंग बाद में फिर आराम से सोएंगे, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा रात में लेट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह बहुत जल्दी उठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।